कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री का शहर है, अगर जो मेले में कोई गड़बड़ी हुई और मेले में कोई ऐसी अराजकता हुई तो मुख्यमंत्री के शाख पर बट्टा लगेगा। इसलिए एबी न्यूज की टीम इस समय कलेक्ट्रेट गोरखपुर में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। कुछ मांगे हैं इनकी, क्या मांगे हैं और किस लिए यहां आना हुआ है, आइए हम इनके मुखिया समझते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी। आज गोरखपुर जिला अधिकारी के कार्यालय पर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, मानव अधिकार संयुक्त संगठन के तरफ से मोहम्मद रजी साहब के नेतृत्व में आज हम लोग आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे, दरगाह मुबारक खान शहीद, पूर्वांचल की धरती पे सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़े संत, सबसे बड़े फकीर हजरत मुबारक खान शहीद बाबा का वार्षिक उर्स है, जिसमें 28, 29, 30 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में जायरीन श्रद्धालु आते हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आते हैं और शांति का संदेश पूरे देश में दिया जाता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा? हम लोगों के आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि दरगाह मुबारक खान शहीद के कैंपस तक जो रोड जा रही है सरकारी, उसमें अभी तक रोड बना नहीं, उबड़ खाबड़ है। पूर्व में भी आज के एक हफ्ते पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था सिटी मजिस्ट्रेट को, मगर अभी तक कोई भी सर्वे करने नहीं आया कि रोड कैसे बनेगी, कब बनेगी, और रोड इतना खराब है कि जायरीन आएंगे तो कैसे उस पर चलेंगे। स्ट्रीट लाइट बुझी है, खंबे पे तार सब लटक रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लाखों के श्रद्धालु आएंगे। हम लोगों की मांग है कि वहां पर जल्द से जल्द डीएम महोदय, नगर आयुक्त महोदय, मेयर महोदय दौरा करें और दरगाह मुबारक खान शहीद के इकरार अहमद जो मुतवल्ली है, जो आयोजक हैं, उनसे वार्ता करें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जायरीन आएंगे, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी, रिसालत का पैगाम दिया जाएगा, शांति का, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का। तो ऐसे में अधिकारियों का आना जरूरी है। हमारे बीच में अनिल जायसवाल जी ने मांग की है डीएम महोदय से, साथ में गौतम लाल श्रीवास्तव जी ने मांग की है, विजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सभी धर्मों के संगठनों के लोग हैं। बस इतना के पहले हम लोग चेता रहे हैं कि कम से कम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उसे दिया जाए, दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। इन लापरवाही की क्या वजह रही है? कि गोरखपुर के नगर निगम की लापरवाही है साहब, नगर निगम की लापरवाही। मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत पैसा दिया, विकास की गंगा बहाया उत्तर प्रदेश में। इस विषय में नगर आयुक्त का क्या कहना है? अभी नगर आयुक्त साहब से हम लोग मिलेंगे इसके बाद, क्योंकि हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, अभी तक कोई आया नहीं। अंतिम तौर पे कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का शहर है, सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के शहर में अच्छे से दरगाह मुबारक खान शहीद का आयोजन होगा उर्स का।